नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों ये मेरे पास जो है ये टीवी है, थॉमसन का टीवी 40 इंच का है, ठीक है। इसमें ये वाला जो है मदरबोर्ड लगा हुआ था, ये आप मदरबोर्ड देख सकते हैं, CV9950H A42, ठीक है दोस्तों। ये 40 इंच का टीवी है और ये एक स्मार्ट मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें ये जो IC है ये हमारा ख़राब हो गया, यानी शॉर्ट हो गया है। मैं आपको अभी दिखाता, लेकिन दोस्तों मैं एक हाथ में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको चेक नहीं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें क्या हो रहा था, RGB एक मिनट चल के RGB कलर आ जाता था, 20 सेकेंड चल के। और दोस्तों ये IC काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना हीट हो रहा था कि पूछो मत, ठीक है। तो ये दोस्तों ये बोर्ड ख़राब हो गया है, ये मेन IC ख़राब हो गया, इसका मतलब ये गया कोई काम का नहीं, क्योंकि दोस्तों ये मेन IC मिलेगा भी नहीं अपने को, ठीक है। मिल भी जाएगा तो लगाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, और रिवॉल्व करने का बहुत सा वो सारा प्रक्रिया रहता है। तो आज हम इसके जगह पर ये वाला जो आप मार्केट में आता है नया बोर्ड, आप देख सकते हैं ये वाला दोस्तों, ये थोड़ा ठीक है, पुराना भी नहीं कह सकते हैं, हो गया है ऑलमोस्ट 6-7 महीना, 1 ईयर के आसपास ये बोर्ड आ गया है। तो मैं इसको कभी यूज़ नहीं किया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज मैं इसको आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे इसको लगाना है। दोस्तों देखिए, ये जो बोर्ड है इसका पहले आप नंबर की बात करें हम लोग, SP36821.5, ये आप सभी भाई जानते होंगे, ये भी एक स्मार्ट बोर्ड है। इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लिखा होगा ये वाला, आप देख सकते हैं इसका ये वाला है 42 इंच, यहाँ पर लिखा हुआ है 512 MB लिखा हुआ है, Android 9.0, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूँ, इसके साथ में मेरे को बस ओनली रिमोट मिला है और कोई केस वगैरह, यानी कि इसमें जो फिट होता है ये केस नहीं मिला है, जैसे इस टाइप से हमारा ये टीवी में जो लगा हुआ था ये नहीं मिला है, ठीक है। किसी परचेस करेंगे तो हो सकता है मिलेगा, लेकिन मेरे को नहीं मिला है। दोस्तों हम वो सब चीज़ का बात नहीं करेंगे, हम लोग जो मेन मुद्दा है उसको, इसको आप लगाएंगे कैसे, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये बैकलाइट का कनेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूँ, इसमें आप कोई सा भी टीवी में इसमें आप लगा सकते हो 32 के बाद से, यानी कि आप 32 के बाद से बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा कम होगा तो बैकलाइट में प्रॉब्लम आने का चांस रहेगा, ठीक है। 32 के बाद से यानी 65 में भी ये लग जाएगा, ठीक है। बस आपका सेट जो है वो दो कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 4K तो नहीं है, फुल HD है और 1366, ये दोनों रिजोल्यूशन आपको सपोर्ट करेगा और उससे ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि 4K के लिए अलग आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये 42 के लिए परफेक्ट इसलिए है, 40, 42 और 43 इसके लिए परफेक्ट इसलिए, क्योंकि वो इस तरह का बैक लाइट को आप इस यहाँ पर बनाया गया है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर मैं आपको पलटाता हूँ, हाँ दोस्तों, ये जो बैक लाइट है ये आप यहाँ पर आप 50 से लेकर 90 वोल्ट तक इसको हम लोग बैक लाइट ड्राइव करवा सकते हैं, यानी कि 50 से 90 वोल्ट आप बैक लाइट का कनेक्शन जोड़ सकते हैं, ठीक है। और चलो मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों ये वाला का बात करूँ तो मैं इसको तो अभी फ़िलहाल चेक कर लिया हूँ, ये 75 या 74 वोल्ट में चल रहा है दोस्तों, ये काम आ जाएगा। अब दोस्तों किसी में भी, जैसे मान के चले हम 55 इंच में लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ये बोर्ड पर लग तो जाएगा, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा क्योंकि दोस्तों उसमें का जो बैकलाइट वोल्टेज है वो 100 से ऊपर होगा, क्योंकि दोस्तों 55 का ऊपर, हाँ किसी में 80 तक रहता है तो वो सपोर्ट कर लेगा, अगर 90 से पार हुआ तो ये हमारा बोर्ड नहीं ले पाएगा, उस केस में दोस्तों हमको इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपको, आप टेक्नीशियन है तो ये चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर ये LVDS आपको पहले पता करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर की बात करें दोस्तों, तो ये वाला जो आप देख सकते हैं 51 पिन वाला, ये हमारा फुल HD है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका LVDS से ही पता चल रहा है। और दूसरी बात ये है, ये 40 इंच का है, 40 इंच का हमारा नॉन HD भी होता है, लेकिन ये फुल HD है, कई सेट हमारा नॉन HD होता है लेकिन ये फुल HD, दोनों दोस्तों ये चीज़ को आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको लगाता हूँ और आगे का मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि मैं प्रॉपर डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या है कैसे नहीं, ठीक है। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मैं इसमें इसको लगा चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं मैं कनेक्टर वगैरह सब, ये बैकलाइट का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों LVDS केवल आपको सही लगाना है, याद रखें दोस्तों, यहाँ पर एक एरो रहता है, वो साइड हमारा BCC रहता है, ठीक है। ये वाला आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कई भाई उल्टा लगा देते हैं, उल्टा लगाने के नाम से दोस्तों ये पैनल हमारा उड़ने का बहुत चांस है, तो आप इसको सीधा लगाइएगा, ठीक है। दोस्तों इसको लगा दिया हूँ मैं, फिट विट कर दिया हूँ, अब मैं इसको चेक चालू करते हैं हम लोग। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो हमारा पैनल रहता है ये वाला, ये इनबिल्ट रहता है, 19:20:1080 में सेट रहता है, तो आई होप दोस्तों इसमें हमको रिजोल्यूशन वाला कोड डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हो सकता है। तो आइए देखते हैं, मैं इसको चालू करता हूँ, ये ऑन किया दोस्तों, ये हमारा ये
ये ग्रीन लाइट आया, अभी ब्लैक रेड हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग रिलीज़ करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये मैं रिलीज़ किया, ये आप देख सकते हैं रिलीज़ हो गया, ये हमारा स्मार्ट टीवी लिख के आ गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें मैपिंग आ रहा है, और दूसरी बात हमारा मिरर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको हम लोग सर्विस कोर्ट से ठीक करेंगे। दोस्तों अगर आप अगर 32 इंच में डाल रहे हो, यानी उसका रिजोल्यूशन चेंज हो जाएगा, रिजोल्यूशन चेंज हो जाएगा तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। 13,768 के लिए आपको सोर्स दबा के 03772, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको 14 इंच में लगाया हूँ, तो दोस्तों ये इनबिल्ट 19:20:1080 सेट रहता है, क्योंकि पैनल हमारा 19:20:1080 है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है पिक्चर हमारा निगेटिव टाइप बन रहा है, यानी इसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर ये आपको सोर्स दबाना है, सोर्स, उसके बाद 815, ये देख सकते हैं हमारा फैक्ट्री मेन्यू सर्विस कोड हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। अब हमको करना क्या है दोस्तों, जो हमारा इसमें सॉल्यूशन होगा, आपको आ जाना है पैनल में, ये आपको दिख रहा होगा पैनल, आपको पैनल में आ जाना है, ये मैं पैनल में आया, उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा हमारा ए बी पोर्ट, तो ठीक ठीक है, ये टी आई मैप LVDS TI, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे मैं टी आई ऑफ किया हूँ, ये हमारा पिक्चर ठीक आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑन रखता हूँ, फिर से हमारा जैसा था वैसे हो गया है। इसको सही करने के लिए इसको ऑफ कर देना, किसी किसी में LVDS जेडा वर्सेस वीज़ा भी लिखे रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों ये मिरर, मिरर का ऑप्शन है, आपको वो करना है, सॉरी इसको मैं पहले ठीक कर लेता हूँ, ऑफ हो गया ये मिरर, ये LR कर दिया दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग इसको एग्जिट करके ऑफ करके देखते हैं, ऑफ सो हमारा दोबारा मैं इसको ऑन किया हूँ, ये हमारा ऑन हो गया है दोस्तों। ये हमारा ये लोगो चेंज हो गया है दोस्तों, मैं उल्टा कर दिया था, वो वाला नहीं था हमारा एक, फिर कोई बात नहीं, हम दोबारा से करेंगे इसको दोस्तों। हम फिर से इसका सर्विस मोड ओपन करेंगे, सोर्स दबाएंगे 815, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये थोड़ा उल्टा हो गया था दोस्तों, ये पैनल में जाना है आपको, याद रखें। ये हमारा पैनल में गए हम लोग, उसके बाद ये मिरर में देख सकते हो दोस्तों, लेफ्ट और राइट हो गया, तो हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया है, मिरर ठीक नहीं हुआ है, टेक्स्ट चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ऑल में सिलेक्ट करना है, ये आप देख सकते हो ऑल में, ऑल में करने के बाद दोस्तों ये हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई सा भी लोगो डालना है, ठीक है, तो आप इसमें लोगो भी डाल सकते हैं। लोगो कहाँ से डालेंगे बता देता हूँ, यहाँ पर एक बूट लोगो है, बूट लोगो में जाके, ठीक है, बूट लोगो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना सारा ये लोगो बना हुआ है, सैमसंग, वीडियोकॉन, LG, MI, ओनिडा। दोस्तों ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है, क्योंकि मैं मिरर ऑप्शन को लेफ्ट राइट कर दिया, अभी ठीक कर दिया हूँ, इसको मैं रिस्टार्ट बंद करके चालू करूँगा तो ठीक हो जाएगा। बाकी ये ऐसे ही है, और कोई इसमें समस्या नहीं है दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छा बोर्ड है, मैं इसको 2-3 बार लगा लिया हूँ, और मैं इसका भले वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये अच्छा काफ़ी बोर्ड है दोस्तों, काफ़ी हीट भी नहीं हो रही है, ये 43 इंच तक काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। अगर आप इसको ज़्यादा लगाना चाहते हो दोस्तों, वो लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इन्वर्टर को ध्यान में रखें ये वाला, क्योंकि दोस्तों उसका इन्वर्टर में हमारा ज़्यादा वोल्ट इन होता है, तो ये हो सकता है हमारा उड़ने का चांस रहेगा, तो आप इन्वर्टर को ऐड कर सकते हैं। बाकी रिजोल्यूशन अगर 19:20:1080 हो तो आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें यार, और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके, थैंक यू।